गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज ट्यूसडे है तो आज हम अपना मैथ्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी लेसन फोर की हमारी। ठीक है, चलिए उसके आगे से आज कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ये गलत लिखा हुआ है, 4.3 होगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन एक्सरसाइज है। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल्स लिखने के लिए दिए थे। ठीक है, नोटबुक में लिखने थे आपको टेबल 2 to 10 लिखने थे आपको, है ना। 2 to 10 टेबल्स लिखने थे आपको टेबल। ठीक है, तो आज हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बुक का काम है ये 5 3 कितना होता है, 5 की टेबल में 3 कितने पे आता है, 5 3 are 5 1 5 5 2 are 3 10 5 3 are 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15। ठीक है, ऐसी 9 8 are 72। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया आप सभी को किस तरह से करना है। ये कर लेंगे आप ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब एक नई तरीके की मल्टीप्लिकेशन करना सीखने वाले हैं हम आज। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तो देखो हम पढ़ रहे थे इधर का इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में, लेकिन अब पढ़ेंगे ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना किस तरह होगा। ठीक है, आपके सामने ऐसा लिखा होगा सॉल्व 9 multiply 7। तो आपको किस तरह से लिखना है उसको, ऐसे 9 ऊपर 7 नीचे। अब 7 का टेबल आपको 9 तक पढ़ना है। 7 1 are 7, 7 2 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 40, 7 8 are 56, 7 9 are 63। आ गया यहाँ पे, क्लियर हुआ किस तरह से आया ये। चलिए और देखते हैं करके एक बार। नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब नीचे वाले का टेबल पढ़ना है आपको ऊपर वाले तक। ठीक है, नीचे वाले का टेबल पढ़ना है आपको ऊपर वाले डिजिट तक। तो 7 का टेबल 5 बार 5 तक पढ़ना है, 5 का टेबल 6 तक, 5 का टेबल 2 तक। ठीक है, 7 5 are 35, 5 6 are 30, 5 2 are 10। अब देखिए ये वाला कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम एक एक करके एक एक डिजिट से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि 0 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। 0 से अगर हम किसी भी डिजिट किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। देखिए किस तरह से होगा ये वाला, 1 0 are 0, 1 1 are 1। क्लियर हुआ, पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर 1 को अगली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसके नीचे लिखेंगे। अगर इसके आगे भी कुछ होता तो हम 1 को उससे मल्टीप्लाई करते और उसके नीचे लिखते फिर हम। क्लियर हुआ, ऐसी देखिए 8 5 are 40। क्लियर हुआ, चलिए फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता देता हूँ किस तरह से होंगी ये। देखिए 2 का टेबल पहले 4 तक पढ़ेंगे जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे जो आएगा वो उसके नीचे लिखेंगे। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए 2 4 are कितना होता है, कितना होता है 2 4 are 2 4 are
एट, तो देखो एट मैंने इसी के नीचे लिखा। अब टू का टेबल हम इस वाले टू तक पढ़ेंगे, टू टू आर फोर, देखिए टू टू आर फोर, तो उस वाले फोर को मैंने टू के नीचे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए मैं एक और करके बता देता हूँ आपको, लास्ट वाला। पहले हम थ्री का टेबल टू तक पढ़ेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर थ्री का टेबल हम इस टू तक पढ़ेंगे और जो आएगा वो इसके यहाँ लिखेंगे। क्लियर? चलिए लिखते हैं, थ्री टू जा कितना होता है, थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ आ गया सिक्स। ओके नेक्स्ट, थ्री टू आर कितना होता है, थ्री टू आर, थ्री टू आर सिक्स, तो यहाँ भी क्या आ गया सिक्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया 66। क्लियर है, हो जाएगा सभी का। चलिए आगे आते हैं, अब हम कॉपी में जो भी काम करना होगा मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो काम आपको कॉपी में करना होगा, ठीक है, टेबल्स आपने लिखी लिया कॉपी में, उसके बाद जो भी काम होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा शाम तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टू पर। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। चलिए ये तीन डिजिट वाले हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, चलो इसको भी एक बार समझ लेते हैं ताकि बाकी आप अपने आप कर सकें। थ्री वन आर, थ्री का टेबल पहले वन तक पढ़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर थ्री का टेबल टू तक पढ़ेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर थ्री का टेबल थ्री तक पढ़ेंगे और जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या आंसर आया हमारा, 963। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया ये? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये वाला मैंने आपको बताया, जो नीचे डिजिट लिखी होती है वो ऊपर वाले डिजिटों से मल्टीप्लाई होगी सबसे, ठीक है, तो पहले 30 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 32 से होगा, फिर 33 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 0 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो 30 जा 0, और 32 जा, थ्री के टेबल में टू जब पढ़ते हैं तो कितना आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ऐसे थ्री थ्री जा बताना है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 960। क्लियर? क्या आंसर आया, 960। तो उसी तरह से बाकी के सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में, ठीक है, आप सभी को अपने आप करने हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे उतना अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा और उतना अच्छे से आप अपने आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, वो हमेशा आपको याद भी रहेगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये ए से लेके एच तक, ये वहाँ तक, और क्वेश्चन नंबर टू में ए से लेके पी तक, ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, अपने आप करने हैं आपको, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है आपको, अपने आप ये क्वेश्चंस करने हैं और सभी को करने हैं ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जरूर जाना है, ठीक है, और घर में अपना ध्यान रखना है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना पूरा काम करिएगा, ये सारा काम कंप्लीट करना है बुक के अंदर आपको, ठीक है, नोटबुक का जो भी काम होगा मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा, ठीक है, फोटो क्लिक करके पीडीएफ, जो कि आप नोटबुक में काम आपको करना होगा। क्लियर हो जाएगा सभी का काम, दो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में आपको, ठीक है, कर लेना आप सभी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है, थैंक यू।